मैं इस मौके पर सभी स्व सहायता समूह के सदस्यों, शिल्पकारों, ग्रामीण कलाकारों को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। हम सब जानते हैं कि हमारा देश एक बड़ी आबादी वाला देश है और इस आबादी में गरीबी भी है, बेरोजगारी भी है और इसलिए बड़ी मात्रा में गरीबी और बेरोजगारी को समाधान देना यह सरकार के सामने और समाज के सामने चुनौती है। मुझे प्रसन्नता है कि भारत सरकार, पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इस चुनौती को न सिर्फ स्वीकार किया, लगातार अपनी कोशिशों के फलस्वरूप इस चुनौती पर विजय पाना भी प्रारंभ कर दिया है। यह हम सबके लिए संतोष और प्रसन्नता की बात है। बड़ी आबादी को जीवन स्तर में बदलाव लाना है तो कार्य की विकेंद्रित योजना बनाना आवश्यक है, क्योंकि कोई भी केंद्रीकृत उद्योग कितनी ही बड़ी लागत का हो, वह इतनी बड़ी आबादी को आजीविका से नहीं जोड़ सकता। और प्रारंभिक रूप से भी अगर हम देखें तो भारत का इतिहास इस बात का साक्षी है कि हमारी जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी उसमें इतनी एक दूसरे के प्रति पूरकता थी कि सबको रोजगार भी मिलता था, सबको आजीविका भी मिलती थी और सब आनंद से जीवन यापन भी करते थे। लेकिन बीच में यह व्यवस्था मिश्रित हुई और उसके कारण बहुत सारी तकलीफें बढ़ी। भारत सरकार ने इसी समस्या को समाधान तक ले जाने के लिए आजीविका मिशन का आरंभ किया। जैसा कि अभी सचिव महोदय ने आपको बताया कि आजीविका मिशन के माध्यम से लगातार इस बात की कोशिश की जा रही है कि स्व सहायता समूह की संख्या बढ़े, समूह से जुड़ी बहनों का प्रशिक्षण बढ़े, उनकी बचत बढ़े, उनको सरकार की मदद मिले और जब वो ठीक प्रकार से सक्षम हो जाएं, तो उनको बैंक से ऋण मिले, वो अपना उत्पाद अच्छी प्रकार से बना सकें, तकनीक के साथ जुड़कर उत्पाद को अच्छी गुणवत्ता प्रदान कर सकें और फिर विपणन के लिए उनको एक अच्छा और सक्षम मंच, देश भर में अनेक ऐसे स्थान जहाँ लोगों की क्रय शक्ति अधिक है वहाँ उपलब्ध कराने का काम किया जा सके। आज देश भर में 41 लाख से अधिक स्व सहायता समूह हैं जिनसे 5 करोड़ बहनें जुड़ी हैं और जिन जिन स्थानों पर स्व सहायता समूह काम कर रहे हैं वहाँ बहनों में आत्मनिर्भरता बढ़ रही है, जागरूकता बढ़ रही है, वो अपने पैरों पर खड़ी हो रही हैं और स्वयं भी आजीविका कमा रही हैं और परिवार के विकास में भी एक सक्षम योगदान देने की स्थिति में हमारी बहन आ रही है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब स्व सहायता समूह खड़ा होता है तो वो आजीविका के लिए तो काम करता ही है, लेकिन गांव की सामुदायिक एकता बढ़े, जागरूकता बढ़े, समुदाय में क्षमता बढ़े और पूरा समुदाय एक होकर अपने गांव के विकास के लिए, अपने गांव की स्वच्छता के लिए,
अपने गांव की शिक्षा के लिए, अपने गांव में स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं के लिए मिलकर काम करे, उसमें भी स्व सहायता समूह की एक अग्रणी भूमिका आज देश भर में देखने में आ रही है। आप सबके ध्यान में है कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काम संभाला है, तब से लगातार उनकी कोशिश होती है कि छोटे से छोटा काम भी है उसको मिशन मोड पर करना चाहिए। जब कोई योजना कार्यक्रम मिशन मोड पर लिया जाता है तो उसके परिणाम भी परिलक्षित होते हैं। जैसे सामान्यतः अगर हम देखेंगे तो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण क्षेत्र में इसको मिशन मोड पर आरंभ किया गया तो आज स्वच्छता का प्रतिशत देश में 98% हो गया, जो 2014 से पहले 38% हुआ करता था। यह प्रतिशत बढ़ा, स्वच्छता बढ़ी, स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ी। इस मिशन में भी हमारे स्व सहायता समूहों की बहनों की जो भागीदारी है, योगदान है, वह निश्चित रूप से बहुत ही उल्लेखनीय है। यह स्व सहायता समूहों की संख्या बढ़े और इनकी क्षमता संवर्धन के लिए भारत सरकार आगे बढ़कर सहकार करे।